फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स, सब मज़े में होंगे। तो मेरे चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और देखिए, अभी सुबह का टाइम हो रहा है, तो बस सुबह का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बस मैं लग गई हूँ किचन में। तो पहले मैं किचन को समेट रही हूँ। अपना किचन तो वैसे समेटा हुआ है, क्योंकि शाम को जब रात में सोते हैं ना, जब मैं सारा ही किचन का काम से फ्री होकर उसके बाद ही सोती हूँ, जब तक किचन का काम सारा नहीं होता ना, जब तक मैं नहीं सोती। क्योंकि सुबह उठकर है ना, हमें हमारा किचन साफ़ सुथरा मिलता है, तो बस सुबह करना नहीं पड़ता है। तो अभी इधर आ गई हूँ मैं बीच वाले कमरे में, तो बस यहाँ पे कर रही हूँ मैं टीवी साफ। तो थोड़ी बहुत मतलब करते रहते हैं ना, तो इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो टीवी साफ़ करने के बाद, ये तो हमारा रोज का ही काम होता है, तो बस यहाँ पे मैं गोदरेज वगैरह पे, ये कांच है ना, बच्चे हाथ लगाते हैं बार बार, तो हाथ लगाने से बच्चे ऐसे गंदे कर देते हैं ना, तो बस इस पे सूती कपड़ा लगा देती हूँ ना, तो कांच साफ़ रहते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे चादर वगैरह साफ़ कर दी, झाड़ू लगा देती हूँ सुबह की। और अभी मेरी बड़ी वाली बेटी स्कूल चली गई है, दोनों बच्चे हैं, तो बस वो बैठ कर खेल रहे हैं पेटी पर, और मैं मेरा काम करती जा रही हूँ। तो बस इसी तरीके से सुबह होती है हमारी। और सुबह हो जब भी सुबह होती है, जब बस वही काम, रोज़ वही काम, वही झाड़ू लगाना, वही पोछा लगाना, वही खाना बनाना, तो भाई सबके घरों में रहता होगा, तो बस हमारे यहाँ पे भी वही काम है रोज़ का। और अभी देखिए, नहाने जा रही हूँ, तो मैं मेरे कपड़े निकाल रही हूँ। यहाँ पे बच्चों की ड्रेस भी निकाल दी है, क्योंकि इनको मेरे को स्कूल के लिए तैयार करना है। और मैं नहाऊँगी ना, तो मुझे नहाने के लिए कपड़े निकालने हैं, तो बस अब जाऊँगी मैं नहाने के लिए। तो नहाने से पहले मुझे याद आया कि पहले जाकर छत की झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि परसों लगाई थी मैंने छत की झाड़ू, कल नहीं लगाई थी। तो बस अभी आई हूँ छत पे झाड़ू लगाने के लिए, और बस झाड़ू लगा देंगे। तो सर्दियाँ है ना फ्रेंड्स, अभी दो चार दिन की फिर से बढ़ गई है सर्दियाँ। अभी थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन अभी दो चार दिन की फिर से सर्दियाँ बढ़ गई है। तो बस सर्दियाँ में ना, बस धूप में बैठे रहो तो अच्छा लगता है, लेकिन धूप में बैठने का के लिए फुर्सत कहाँ है, घर का काम ही ख़त्म नहीं होता है, तो धूप में कब बैठे। हाँ, दिन में थोड़ा सा टाइम मिलता है तो भले बैठ जाते हैं धूप में, नहीं तो सुबह सुबह तो टाइम मिलता ही नहीं है, क्योंकि बच्चों को देखना, फिर घर का काम रहता है, तो बस धूप में सुबह सुबह तो बैठने के लिए टाइम मिलता ही नहीं है, तो दिन में बैठते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने तो यहाँ पे झंडा इस तरह से लगा दिया है, क्योंकि बंदर, आपको पता है बंदर इतने ज़्यादा आते हैं, तो वो झंडे को तो रहने ही नहीं देते। तो मैंने यहाँ पे ना सलिया ले लिया है, और सलिया के ऊपर इस तरह से बांध दिया है, और एक डंडा, और उसके ऊपर फिर झंडा लगा दिया है। तो किस किस के यहाँ तैयारियाँ चल रही है। और चलिए, लग गई है फ्रेंड्स मेरी झाड़ू, तो झाड़ू लगाने के बाद चलते हैं नीचे। तो बस नहाने के बाद फिर बच्चों को तैयार करूँगी स्कूल के लिए, क्योंकि स्कूल का टाइम भी होने आया है। तो अब नीचे चलते हैं, और नीचे जाने के बाद बच्चों को तैयार कर दूंगी, मैं नहा कर आऊँगी। यहाँ पे थोड़ी सी झाड़ू और रह गई थी टंकी के इधर, तो बस ये भी लगा ही दूंगी, क्योंकि फिर रह जाती है ना, तो रह जाती है, फिर सोचते हैं कि बाद में लगा देंगे, तो बाद में तो फिर आना होता ही नहीं है ऊपर, और आते हैं तो बस धूप में बैठ जाते हैं थोड़ी देर, तो वो है ना, भूल जाते हैं फिर। तो देखिए, यहाँ पर मैं नहा कर आ गई हूँ, और बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ दोनों को। तो हर्षिता को तो ड्रेस पहना दी है, वो कभी उसके हाथ से पहन लेती, कभी मैं पहना देती हूँ। यहाँ पे देवांश को अभी ड्रेस पहना रही हूँ मैं स्कूल के लिए, तो बस इसके पापा आने वाले हैं, तो इसके पापा छोड़ देंगे। एक टाइम वो छोड़ देते हैं ना स्कूल, और एक टाइम मैं ले आती हूँ ना, तो इतना मुझे थकना नहीं आता। लेकिन दोनों ही टाइम अगर मुझे छोड़ने और लेने जाना होता है ना, तो फिर मैं थक जाती हूँ। और दिन में ना थोड़ा सा टाइम मिलता है मुझे, तो थोड़ा सा टाइम मिलता है उसमें देखती हूँ, या तो टीवी देख लेती हूँ, या फिर छत पे बैठ जाती हूँ। तो छत पे जाती हूँ ना, तो वो बड़ी वाली बेटी का आने का टाइम हो जाता है, फिर नीचे आके गेट खोलना ये रहता है, फिर वो भी खाना खाती है ना, तो अकेली नहीं बैठती है, बस मम्मी थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ, तो मैं उसके पास बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी बैठ कर उसका ही इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि उसके आने का टाइम हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, 2 बज गई है और उसके आने का टाइम हो गया है, और फिर हो गया था शाम का टाइम। तो यहाँ पे तरोई की सब्ज़ी बनेगी आज, तो देखिए तरोई साफ कर रही हूँ, और आज है ना भरमा तरोई बनाऊँगी मैं फ्राई वाली, तो बस ये तरोई की सब्ज़ी साफ कर रही हूँ। और सब्ज़ी है ना फ्रेंड्स, अभी ज़्यादा कुछ सब्ज़ी आ नहीं रही है, ढंग से आ ही नहीं रही सब्ज़ी, सारी सब्ज़ियाँ ख़राब हो गई है ठंड की वजह से, तो अच्छे से सब्ज़ियाँ ही नहीं आ रही है। तो यहाँ पे देखिए, तरोई को साफ़ कर रही हूँ मैं, और साफ़ करने के बाद इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीसेस में से कट कर लिया था,
तो ये देखिए, और है ना एक एक चीरा लगा दिया था बीच में मैंने। फिर यहाँ पे ले लिए थे मैंने मूंगफली के दाने, तो मूंगफली के दाने मैं इस तरह से सेक कर रख देती हूँ, तो उससे क्या होता है ना ख़राब नहीं होते। तो मूंगफली के दाने को साफ़ कर लेंगे, छिलके निकाल लेंगे। यहाँ पे लहसुन ले लिए, प्याज ले लिया, अदरक ले लिया, हरी मिर्ची ले लिए, तो बस ये सारे ही ले लिए मैंने। तो इनको पीस लूँगी मैं, लहसुन अदरक को इनको पीस लूँगी। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया है, तो तेल में ये जो तरोई है ना, ये तरोई फ्राई कर लूँगी, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला था ना कि मैं फ्राई करी हुई तरोई भरमा बनाऊँगी, तो बस ये तरोई को फ्राई कर रही हूँ मैं पहले। तरोई हमारी फ्राई होगी जब तक मैं मसाले तैयार कर लूँगी उधर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से तरोई को थोड़ी थोड़ी सी मैंने फ्राई कर ली है। ये आपको कैमरे में ऐसी लग रही होगी कि जैसे गली नहीं है, लेकिन अच्छे से गल गई थी ये, क्योंकि मैंने हाथ से देखा था ना, तो अच्छे से गल गई थी तरोई हमारी। गलने के बाद ही मैंने इसको निकाली है। तो ये देखिए, ये मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, ये देखिए गल गई है फ्रेंड्स। तो बस उसके बाद ये जो मैंने प्याज लहसुन अदरक आपको दिखाए थे ना, हरी मिर्ची वगैरह, तो ये सब पीस लिए मैंने। और पीसने के बाद फिर टमाटर डाल दिए हैं और तेल रख दिया है। तेल में मैंने प्याज लहसुन डाल दिए, उसके बाद टमाटर डाल दिए। टमाटर डालने के बाद मैंने यहाँ पे सारे ही मसाले डाल दिए सब्जी के, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, और पानी डालने के बाद यहाँ पे हमारा मसाला पकने दूँगी अच्छे से। मसाला हमारा पक के तैयार हो जाएगा अच्छे से, तो फिर मूँगफली के दाने डाल दिए हैं, और मूँगफली के दाने डालने के बाद थोड़ा सा पानी और डाल के इसे मसाले को अच्छे से एक बार और पकाऊंगी। तो ये देखिए पानी डाल दिया है, और इस तरह से ना मूंगफली के दाने डाल देते हैं ना, तो सब्जी में ग्रेवी भी हो जाती है और खाने में ना बहुत बढ़िया लगती है। सही में इसका है ना टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। एक बार बनाते हो तो कोई नई नई, अगर नहीं बनाई हो तो एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत अच्छी लगती है। इस तरह से अगर गिलकी भी बनाओगे ना तो बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी हमारी बन रही है। जब तक मैंने यहाँ पे धनिया लेकर बैठ गई हूँ, तो बस धनिया साफ़ कर रही हूँ। धनिया मैंने धोकर रख लिया था, तो बस अभी सिर्फ काट कर मुझे डालना है सब्जी में। तो ये देखिए सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। सब्जी का कलर कितना प्यारा आया ना, बहुत अच्छी लगती है इस तरह से सब्जी बनाते हैं तो। और अगर हम काट कर बनाते हैं ना, तो बारीक कट करके, तो उसमें इतना टेस्ट नहीं रहेगा, इतना टेस्ट इसमें रहता है। और है ना ये तरोई से ज़्यादा भी इसका मसाला बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो अभी मैंने एक बार चेक की थी तो नहीं बनी थी, तो फिर दूसरी बार फिर से मैंने इसको ढक दिया था, और अभी देखिए फिर से हमारी तरोई बढ़िया से अच्छे से गल गई है। और ये गरम मसाला डाल दिया मैंने थोड़ा सा इसके अंदर, फ्लेवर के लिए अच्छा लगता है। और उसके बाद हरा धनिया डाल दिया है, तो सब्जी बनकर हमारी यहाँ पर तैयार हो गई है फ्रेंड्स। एक तरफ मैंने आटा लगा कर भी रख दिया है, तो बस सब्जी तैयार हो गई है ना। तो अब रोटियां उतार लेती हूँ मैं फटाफट, क्योंकि ये काम है ना, हो ही जाता है तो हो ही जाता है। अगर खाने का काम मैं तो ऐसे घूमती फिरती नहीं बनाती हूँ, एक बार बैठ गए ना तो बस बैठ गए, तो बस एक ही बैठक पर सब्जी रोटी दोनों बना कर ही उठती हूँ वहाँ से। जब तक सब्जी रोटी मेरी नहीं बनती ना, जब तक मैं इधर उधर नहीं टहलती हूँ। तो ये देखिए सब्जी बनने के बाद रोटियाँ भी बन गई है मेरी, थोड़ी बहुत रोटियां और बची है और सारी रोटियां बन गई है। तो यहाँ पे मेरे पति आ गए हैं, तो बस उनको खाना रख देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सब्जी हमारी किस तरह से बनकर तैयार हुई है। तो ये बनी है सब्जी, और यहाँ पे मैंने थाली लगा दी है। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी खाना खा लीजिए, तरोई की सब्जी और रोटी। तो आज का हमारा सिंपल खाना है, तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी खा लीजिए। और चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, तो कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। और अगर आज का ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, जो दोस्त मेरे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। ओके, बाय बाय।